देखिए, मैंने ट्वीट के माध्यम से सिर्फ ये कहा कि गिरिराज सिंह को अब मीडिया पर कुछ इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। वो मीडिया के लोग जब उनको पूछ रहे हैं तो उसमें वो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा, ऐसे बयानों से देखिए वो अब लोगों को बहकाने और लोगों को, मैं सब कहूँगा कि भ्रम में रखने का क्या आवश्यकता है। अब आइए आप यहाँ बेगूसराय में आकर के और चुनाव की तैयारी करिए। बेगूसराय में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार ने गिरिराज सिंह के खिलाफ बयान देकर खलबली मचा दी है। दरअसल नवादा सीट बीजेपी कोटे से एलजेपी के कोटे में चली गई, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने पटना में बेगूसराय से चुनाव लड़ने पर खुलकर कुछ भी नहीं बोला, पार्टी से नाराजगी भी दिखाई, जिसके बाद राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार ने कहा है कि गिरिराज सिंह मोह माया छोड़कर नौटंकीबाजी बंद करें और बेगूसराय से आकर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। छोड़िए अब ये मायावी रूप और ये नाटक दिखाना, क्योंकि आपको क्या मालूम नहीं था कि नवादा सीट पहले से जा रहा है। जब 15 दिन पहले लगभग आज से, जब वहाँ जो लोजपा की भावी प्रत्याशी है श्रीमती बीना जी, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा यहाँ से, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस ने कह दिया कि यह सीट हमारा है, जबकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। तो आपका सीट जा रहा है और आप उस समय कुछ बोल नहीं रहे हैं, इस तरह से मीडिया पर बयान दे रहे हैं, बेगूसराय के लोगों को भ्रम में रख रहे हैं। रजनीश कुमार ने बिहार तक से बातचीत करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह सीट समझौते के बाद मीडिया में बयान दे रहे हैं, जबकि उन्हें पहले से पता था कि नवादा सीट एलजेपी के खाते में जा रही है। ऐसे में अब मोह माया छोड़कर और नौटंकीबाजी बंद कर देनी चाहिए। एक तरफ आप बेगूसराय के कार्यकर्ताओं को फोन कर रहे हैं, यहाँ जो आपके लोग हैं उनको आप फोन कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूँ, यहाँ घर मकान देखिए, तमाम तरह की बातें हो रही है, और दूसरी तरफ आप मीडिया में कुछ और बोल रहे हैं। तो मेरा ये केवल कहना है कि आप गिरिराज जी अब इन बातों को छोड़िए और आइए यहाँ चुनाव की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि आपके सामने जो लड़ने वाला है वो पूरी तैयारी से यहाँ घूम रहा है, इसलिए आप भी आइए और यहाँ चुनाव की तैयारी करिए। क्या लगता है बाहरी भीतरी का भी असर होगा चुनाव में, क्योंकि कई लोग एनडीए के विरोध कर रहे हैं बाहरी प्रत्याशी का? अब ये तो देखिए चुनाव में तय होगा। बीजेपी नेता ने कहा है कि गिरिराज को बेगूसराय से लड़ने की तैयारी करना चाहिए, यहाँ के लोगों को उन्हें भ्रम में नहीं रखना चाहिए। एक और गिरिराज सिंह बेगूसराय के लोगों को फोन कर ऑफिस और जमीन देखने की बात कर रहे हैं, वहीं मीडिया में नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। ये मोह माया और नौटंकी है, इसे बंद कर देनी चाहिए। उन्हें पहले से पता था कि नवादा सीट एलजेपी के कोटे में ही जाएगी। वहीं बाहरी प्रत्याशी के विरोध के सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि ये चुनाव में तय होगा कि कौन कहाँ का है। बेगूसराय से सौरभ कुमार, बिहार तक।